तो खबर आजमगढ़ से है, जहां सगड़ी तहसील क्षेत्र के निवासी जनपद के लाल व भारतीय टेस्ट डेब्यू क्रिकेटर सरफराज खान आज अपने गृह जनपद पहुंचे, जिनका ग्रामीणों व दोस्तों ने फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। वहीं पिता व कोच नौशाद खान के साथ भारतीय टेस्ट क्रिकेटर सरफराज खान व छोटे भाई मुसीर खान के साथ आज प्रथम आगमन हुआ। जानकारी के अनुसार आजमगढ़ जिले के लाल भारतीय टेस्ट डेब्यू क्रिकेटर सरफराज खान व उनके छोटे भाई अंडर 19 वर्ल्ड कप व रणजी खिलाड़ी मुशीर खान पुरस्कार में मिली थार से सोमवार को 4 बजे अपने पिता नौशाद खान के साथ अपने घर छत्तरपुर गांव पहुंचे। दोनों भाइयों और पिता का ग्रामीण व उनके दोस्तों ने फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। विदित हो कि सरफराज खान पुत्र नौशाद खान सगड़ी तहसील क्षेत्र के बासुपार गांव के निवासी हैं। सरफराज खान के ने हाल में ही संपन्न हुई इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में डेब्यू किया था। 15 फरवरी को राजकोट के मैदान में सरफराज खान टेस्ट डेब्यू में करने वाले 311वें खिलाड़ी बने थे। वहीं सरफराज खान ने अपनी पहली अंतर्राष्ट्रीय पारी में 62 रन बनाए थे। आपको बता दें तो इस दौरान सरफराज खान ने 9 चौका और 1 छक्का भी लगाया था। सरफराज खान की इस पारी की लोगों ने काफी सराहना की। वहीं सरफराज खान के छोटे भाई मुसीर खान ने अंडर 19 वर्ल्ड कप में सभी को अपनी पारी से आकर्षित किया था। हाल ही में संपन्न हुए मुंबई और विदर्भ के बीच खेले गए रणजी ट्रॉफी फाइनल में मुशीर खान ने शानदार शतक जड़कर सभी को अपनी तरफ आकर्षित किया। इस दौरान मुशीर खान ने सचिन तेंदुलकर के 29 साल पुराने रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया। वहीं आज दोनों भाई सरफराज खान व मुशीर खान अपने पिता नौशाद खान के साथ शाम 4 बजे गृह जनपद आजमगढ़ पहुंचे। आचार संहिता व त्योहार को मद्देनजर रखते हुए उनके पिता नौशाद खान ने आगमन की सूचना किसी को नहीं दी, लेकिन घर पहुंचे सरफराज खान व मुशीर खान का ग्रामीणों व दोस्तों ने फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। इस दौरान सरफराज खान और मुशीर खान ने सभी का आभार व्यक्त किया। मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा है उन्होंने, आप सुनिए। क्या करने का ये है कि मतलब कुछ अचीव करने के बाद गांव में आओ तो अच्छा लग रहा है, और बचपन से इधर आते रहता हो तो बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए अच्छा लग रहा है। गांव की जो कैसा महसूस हो रहा है यहां से, मतलब अच्छा ही लगता है ऑब्वियसली। जब भी आता हूं गांव एक अलग ही बात होती है, सुकून होता है, रहने के लिए माइंड फ्रेश करने के लिए आता है इधर पे, तो अच्छा ही फीलिंग हो रहा है। टी20 वर्ल्ड कप आपने प्रदर्शन किया, किस तरह से मैच को खेला और क्या था? पहली बात तो मतलब खुश हो कि मतलब मैंने सेकेंड हाईएस्ट रन गेटर था उसके अंदर, बट यही है कि मतलब वर्ल्ड कप जीतना चाहिए था, उसके लिए थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो, लेकिन खुशी है फिर। आपने उसके बाद अचानक से आपको रणजी मैच के लिए इधर मुंबई के खिलाफ बुलाया गया, उसमें भी आपने शानदार पारी खेली, उसके लिए क्या कहना चाहिए? नहीं, उसके लिए एक अलग प्राउड की बात है मेरे लिए। 42 टाइम चैंपियन हुए हम लोग, और उसके अंदर एक अच्छी पारी मैंने खेला फाइनल मैच में मेरी टीम के लिए, तो मतलब बहुत खुशी हुई। और उसमें मतलब पूरा जो भी क्रेडिट है सब अब्बू को जाता है, तो वही बहुत खुशी हुई। मुशीर पहली बार सचिन तेंदुलकर स्टैंड में बैठे हुए थे, क्या आपको मालूम था कि सचिन तेंदुलकर आके मैच देख रहे हैं? जी, मतलब स्क्रीन पे मैंने देखा तो उधर सर बैठे हुए थे, तो बहुत खुशी हो रही थी, और मेरे लिए तो बहुत प्राउड की बात है कि सचिन सर आए हैं मेरी बैटिंग देखने के लिए, तो बहुत खुशी हो रही थी और मैं बहुत इंजॉय कर रहा था मेरी बैटिंग। मुझे लगता है इसमें अगर सबसे बड़ा अगर किसी का योगदान है तो ये आपके पिता नौशाद सर जी का बहुत बड़ा हाथ रहा है। आप लोगों के छोटे से लेके अब तक जो उन्होंने कोचिंग कराई है, आपके एक पिता भी हैं और आपके कोच भी हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा पहले वो पिता हैं या पहले वो कोच हैं? पहले कोच है। पहले कोच है। चलिए, प्रथम आगमन है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं रमज़ान मुबारक और रमज़ान के लिए और होली के लिए सभी देशवासियों को बधाई देता हूं। और इस मौके पे क्योंकि अभी इस वक्त इलेक्शन भी है, आप देख रहे हैं कि पब्लिक भी बहुत कम है, तो हम लोग ने खुद ये कोशिश की कि कम से कम लोग रहें, कम से कम ये करें ताकि किसी को तकलीफ़ ना हो हमारे आने जाने से इसके। लेकिन यहाँ आने की अलग ही खुशी मिलती है, क्योंकि अभी इस वक्त हम लोग आए कि स्पेशली नाइट में थोड़ा सी प्रैक्टिस करेंगे, रमज़ान का महीना चालू है तो दिन में इतना हो नहीं पाता है मुंबई में, और इस वक्त कोई मैच भी नहीं है तो हम लोग यहाँ आए हुए। इसलिए IPL चल 9 साल खेले हैं, फिर खेलेंगे, ये साल नहीं तो अगले साल मिल जाएगा। बस यही है कि अपनी तैयारी करते रहना जो करने के लिए आए यहाँ पर। तमाम ऐसे युवा क्रिकेट की प्रैक्टिस करें, रेड बॉल की करें, और ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ना रखें, मेहनत करें और खेल को इंजॉय करके खेलें और मोबाइल से थोड़ा दूर रहें।